या तो जी डॉक्टर व्हील चेयर देगा या तो जी हम व्हील चेयर देंगे। ओह माय गॉड, ये व्हील चेयर कितनी फास्ट है। व्हील चेयर के साथ डोरे बन जाएगा। जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुबादी पर। मेरा नाम है डोरेमोन और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं एक बार फिर से GTA 5 का सबसे ऊंचा मोड, जो बिल्कुल स्पेस से आया है। GTA 5 का अल्ट्रा मेगा सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर और ऊपर से भी डुपर सुपरमैन से भी ऊपर जाने वाला ये सुपर अंतरिक्ष वाला रॉकेट वाला नासा का मोड, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इस मोड को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम डोरेमोन को, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, मैं थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर रहा था तो थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स मैंने यहाँ पे बना दिए। तो डोरेमोन हमारा इतना मोटा है कि बिल्कुल मुझे आगे नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं हल्का सा बूस्ट दबा देता हूँ। गाइस, ये मोड बिल्कुल, ओह हे डोरेमोन कैसे हो, ओए होए बिल्कुल बाइक की तरह, ओए मेरी बाइक आ रहा है, मैं चलती बाइक के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। डोरेमोन कैसे हो, बाइक डोरेमोन बाइक के ऊपर बैठिए प्लीज, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओए अभी तक गिर रहा है, लेकिन डोरेमोन है बहुत खुश। इतना ऊपर से गिरने के बाद भी इसकी हंसी, मतलब कि ओए ओए सर पर लगी। डोरेमोन क्विकली गेट द बाइक, अरे बाइक को पकड़ ले फटाफट, बाइक को पकड़ ले डोरेमोन, बाइक को पकड़ ले, तू पकड़ सकता है। मुझे डोरेमोन पर पूरा भरोसा है कि अपनी बाइक पकड़ लेगा। कम ऑन डोरेमोन, कैच द बाइक, डोरेमोन गेट टू द बाइक। अरे मरेगा मेरे भाई, मरेगा तू। और आखिरी में सीधा हम घुस गए पानी के अंदर। कोई बात नहीं, पानी के अंदर घुस गए तो कोई बात नहीं, मैंने अपना टेलीपोर्ट का बटन दबा के मैं एक बार फिर से रैम के ऊपर आ चुका हूँ। और अभी हम लेके जाएंगे तीन पहियों वाली बाइक। यार डोरेमोन बहुत मोटा है यार। अरे थोड़ा बहुत वेट कम, एक मिनट मैं जरा घूम के आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत वेट कम कर ले डोरेमोन, जरा वर्जिश कर लेते हैं, वर्जिश कर ले। हाँ तो पूरे 3 माइल मैं भाग चुका हूँ। हाँ तो पूरे 3 माइल भाग के मेरा 1 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से 3 पहियों वाली बाइक लेके हम रैम के ऊपर जा चुका डोरेमोन के साथ। मैं आगे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गेम खेलने की जगह सब्जियाँ बेच रहा हूँ। अगर मैं गेम खेलने की जगह सब्जियाँ बेच रहा होता तो शायद मेरे पास कस्टमर ज़्यादा होते। मच्छी बाजार मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, मच्छियाँ ले लो, मच्छियाँ ले लो, 2 किलो की मच्छी, 100 किलो की मच्छी, 2 किलो से लेकर 100 किलो की मच्छी, सारी मच्छियाँ यहाँ पे मिलती हैं। बिल्कुल मच्छी बाजार की तरह हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। गेम के ऊपर जो हो रहा है कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, रैम के बारे में वीडियो बनानी नहीं है, बस मच्छियाँ यहाँ पे बेचो। ये देखो डोरेमोन की ग्लाइडिंग, क्या गर्दन मारी इसने दरख्त के ऊपर। ए हेलो, ओह माय गॉड, क्या गर्दन मारी डोरेमोन ने दरख्त के ऊपर। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बारी बटन दबाकर रैम के ऊपर पहुंच जाएंगे। राइट देन, तो इस बारी हम लेते हैं ये बाइक जिसके ऊपर लगी है सोने की चेने, तो इसकी मदद से हमें ग्रिप ज्यादा मिलेगी, इसकी मदद से हमें पूरी ग्रिप ज्यादा मिलेगी। तो एक बार फिर से मैं अपने, आपको कुछ पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं, लेकिन बात की नजाकत को समझो, मैं कुछ ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस देखना ही है आपने। तो चलिए एक बार फिर से, तो अगर आपको कमेंट्री करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बीच में कड़ा बड़ा बड़ा बोल सकते हो। किसी को कुछ पता ही नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता, यही टैलेंट होता है हमारा, इसे ही कहते हैं टशन। एक काम करते हैं गाइस, मैं नीचे से बाइक लेकर ना अपना बूस्ट दबा के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि अपना हमारा रैंप इतना स्टीप नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि डोरेमोन भाई हमारे नीचे से बाइक लेके ऊपर तक लेके चले जाएंगे। तो लीजिए गाइस, नॉर्मली बाइक हमारी ऊपर से नीचे आती है, लेकिन इस बार हम बाइक नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। कम ऑन डोरेमोन, यू कैन डू इट, डोरेमोन यू कैन डू इट। ओए थोड़ी बाइक ऐसा चला भाई, मेरा थोड़ी बाइक, ओए क्यों ऑब्स्टिकल से बच रहा हूं, और बिल्कुल वेल डन डोरेमोन, क्या बात है, एकदम बढ़िया। अब इसको वापस कैसे लेके जाएंगे वहां पे, मैं तो बिल्कुल पानी के अंदर जा चुका हूं। अबे वापस मुड़, अरे यू गॉट टू गो बैक, अरे वापस जाना तुझे, डोरेमोन गो बैक, गो बैक। और इसी के साथ ही एक बारी पानी में हम आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रैम के ऊपर आ चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, लास्ट बाइक में रहती है, इसके बाद हम कोई फनी व्हीकल स्पॉन करेंगे रैम पे ले जाने के लिए। तो कम ऑन डोरेमोन, ये है हमारी फाइनल बाइक। ओए ये क्या स्टंट मारा, एक पहिए पर डोरेमोन, एक पहिए पर बाइक लेके जा मेरे भाई, एक पहिए पर, 2 पहियों पर तो कोई भी बाइक लेके जा सकता है, तू एक पहिए पर लेके जा तब मैं तुझे जानू। आगे भी तो देख ले मेरे भाई, इतना मोटा सर है, मुझे आगे तरह नजर भी नहीं आ रहा कि आगे क्या हो रहा है। अरे सर को पीछे कर ले, सर को पीछे कर ले। ओके लेट्स गो,
और इस बंदे ओ यार यार आखिर में तुझे क्या हो क्या जाता है डोरेमोन मेरे भाई, बाइक को छोड़कर तू क्यों गिर जाता है आखिर में यार। ओ तेरी मेरी बाइक देखो अभी भी गिर रही है, अभी भी मेरी बाइक गिर रही है यार। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए गाइस एक बार फिर से मैं बटन दबा के रैम के ऊपर चलता हूँ और मैं रैम के जो जो ऑब्स्टिकल्स मैंने बना कर रखे हैं, जो बाइकें वगैरह गिरी हुई हैं, उनको मैं हटा देता हूँ। अभी गाइस हम लेके जा रहे हैं शार्क मच्छी, तो ये है सुपर मॉन्स्टर ऑन द रैम। ओह माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा मॉन्स्टर हम रैम के ऊपर लेके जा रहे हैं गाइस। कम ऑन डोरेमोन, बिल्कुल मॉन्स्टर के अंदर बैठे हुए, मुझे मॉन्स्टर मोड़ना सबसे पहले। कम ऑन डोरेमोन, पहले मॉन्स्टर को मोड़ ले, उस तरफ मोड़ना तूने मॉन्स्टर को। राइट देन, तो मॉन्स्टर हमारा मुड़ चुका है और अभी हम मॉन्स्टर को लेके जा रहे हैं रैम के ऊपर। तो चलिए मॉन्स्टर कम ऑन, सिटी को दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितने जाने, पता नहीं किसके ऊपर ये मॉन्स्टर गिरेगा और जिसके ऊपर ये गिरेगा ये मॉन्स्टर, इतना बड़ा मॉन्स्टर। तो गाइस जिसके ऊपर इतना बड़ा मॉन्स्टर गिरेगा उसकी हड्डियां भी हमें नहीं मिलेंगी। और तो चलिए एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ हमारा डोरेमोन रैंप के ऊपर सिटी की ओर बढ़ रहा है और ये पहला ऐसा मोड जो सिटी के अंदर से होकर जाता है। और आखिर में यहाँ पे इस मोड को क्रैश होने की बहुत गंदी आदत है और ये गया मोड सीधा शहर के अंदर। और क्या मॉन्स्टर है अपना यार, ये देखो मॉन्स्टर। बिल्कुल घरों के अंदर गिरा हमारा मॉन्स्टर। तो ये थी हमारी मॉन्स्टर कार, सी मॉन्स्टर कार, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद हमें हासिल हुई है। तो चलिए एक बार फिर से मोड मेन्यू को फिर से रीसेट करते हैं और फिर से टॉप पे चलते हैं और अभी हम सवारी करेंगे टॉयलेट के ऊपर। ओहे, तो ये है हमारी टॉयलेट वाली गाड़ी। अब मुझे पता नहीं है कि टॉयलेट वाली गाड़ी कितनी फास्ट है और ये चल कैसे रही है, इसके तो कोई टायर भी नहीं है, कोई इंजन भी नहीं है। हाउ एम आई राइड इन दिस टॉयलेट कार। तो चलिए डोरेमोन, टॉयलेट वाली गाड़ी। तो क्या टॉयलेट वाली गाड़ी मॉन्स्टर को हरा पाएगी कि नहीं हरा पाएगी, लेकिन टॉयलेट वाली गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है यार। मैं डोरेमोन, अगर तुमने गोबर आया तो यहीं पे कर ले, कोई बात नहीं। तो इतनी तेज गाड़ी है कि इस गाड़ी के इतिहास में ये लिखा है कि जो भी ये गाड़ी चलाता है उसका गोबर गाड़ी के ऊपर ही निकल जाता है, इतनी तेज गाड़ी है। तो अगर आपको गोबर आया तो कोई बात नहीं, गाड़ी के ऊपर ही कर लो। तभी इस गाड़ी का नाम पड़ गया टॉयलेट गाड़ी। और ये गई टॉयलेट गाड़ी शहर से बातें करती हुई। अरे ये तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा आगे निकल गई यार, सीधा रेड लाइट के पास। ओए क्या लैंडिंग मारी डोरेमोन, गो ऑन मैन, दिस इज ऑसम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है डोरेमोन अपना यार। तो चलिए एक बार फिर से रैम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अब कौन सी फनी गाड़ी हम स्पॉन करेंगे यहाँ पे। अभी हम लेके आए हैं डोरेमोन के लिए अंग्रेजों के जमाने की बाइक, जिसका आगे वाला टायर बहुत बड़ा है और पीछे वाला टायर बहुत छोटा है। ये बाइक इतनी तेज है कि इसके पहिए घूम रहे हैं और हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा तेज बाइक है। और लोहे के चरखे से ये बाइक बनी हुई है, ये वही चरखा जो पतंग को उड़ाने के लिए काम आता है। और पीछे वाला टायर तो बिल्कुल एकदम घूम ही नहीं रहा। अरे डोरेमोन, अरे पैर बचा के रखियो, कहीं टायर के अंदर तेरा पैर ना आ जाए, बहुत तेज बाइक है ये, पता नहीं तुझे। बहुत तेज, स्लो डाउन, स्लो डाउन, कहां गई हमारी बाइक। तो तभी कहता हूँ इतनी फास्ट बाइक से पंगे मत लिया करो, बहुत ज्यादा तेज बाइक है। तो कहां गई, लगता है पूरी वाइस सिटी तक ये बाइक पहुंच चुकी है, बहुत तेज बाइक थी यार। तो गाइस अभी हम लेके जाएंगे सुपर यैम्ड के ऊपर हमारी सुपर वाली यॉट। अरे नीचे चलाना इसको, नीचे चलाना इसको, ऊपर लेके नहीं जाना, नीचे 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 मेरे भाई, नीचे लेके जाना डोरे बोरे मेरे भाई, नीचे लेके जाना यॉट को, कमान कभी ये इंसान नीचे लेके जाना यॉट को। अरे कोई बात नहीं, चलो ऊपर से सिटी का नजारा ले लेते हैं। तो ये है गाइस हमारी सुपर डुपर वाली यॉट, जो कि हमने उसके ऊपर चलाने की कोशिश की लेकिन चली नहीं, कोई बात नहीं। एक बार फिर से रैम के ऊपर चलते हैं और उसके बाद गाइस अभी हम आपके सामने लेके आए हैं भोंबू वाली कार, जिसके आगे दो मोटे मोटे झंडे भी लगी हुई हैं और ये बत्ती लगी है डोरेमोन, जरा इस बत्ती को चलाइए, कार की बत्ती को चलाना। और ये रहा हमारा रैम। तो चलिए एक बार फिर से हमारी पता नहीं कौन सी गाड़ी है रैम के ऊपर जा रही है, बहुत स्पीड वाली गाड़ी लग रही है यार ये, मुझे पता नहीं कहाँ पे जाके गिरेगी ये रैम के ऊपर से, लेकिन मैं बूस्ट फिर भी दबा रहा हूँ ताकि। वो ये क्या था, अरे ये क्या था यार, मुझे लगा कि हमारे सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग रैम के ऊपर गिर चुकी है। चलिए ये गाड़ी मुझे पहुंचानी है मेज बैंक के ऊपर, ये बिल्डिंग यहाँ पे कैसे आ गई, व्हाट द हेल, लगता है GTA 5 के अंदर नई बिल्डिंग बनी है। और मुझे लगता है ये गाड़ी मेज बैंक के ऊपर पहुंचानी है, कम ऑन दिस कार इज सुपर फास्ट, कम ऑन, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, FIB की बिल्डिंग के ऊपर गिर जा, FIB की बिल्डिंग, नो, यस, नो, नो, यस, नो, नो, वो अरे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रैम के ऊपर चलते हैं। व्हीकल स्पॉनिंग, और
अभी हम आपके सामने लेके आए हैं सुपर मिलिट्री वाली गाड़ी जिसके ऊपर दो मोटे मोटे रॉकेट भी लगे हुए हैं। डोरेमोन तेरे सर के अंदर से लग के रॉकेट फट जाएंगे, थोड़ा बहुत सर बचा के जाइयो। और अभी गाइस मैंने ये देखो, ये हमारे सामने बिल्कुल नई बिल्डिंग खड़ी है, तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। और मैं रॉकेट मार के सारी बिल्डिंग मैंने आज फोड़ देनी है, तो एक बार फिर से मैं बूस्ट दबा रहा हूँ और बड़ी तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीच में कौन सी बिल्डिंग आ चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस बिल्डिंग के अंदर क्रैश नहीं कर पा रहे, तो नो प्रॉब्लम। एक बारी फिर से क्या हम ये FIB की बिल्डिंग पर गाड़ी खड़े कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं हल्का हल्का बूस्ट भी दे रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी बहुत एल्टीट्यूड भी मिल सके। FIB की बिल्डिंग, अरे दूसरी वाली बिल्डिंग, फिर से हमने मतलब कि 1 मीटर की फासले से उसको मिस कर दिया। कोई बात नहीं, होता है वैसे, मिसाइल्स कैसे मारता है मिसाइल्स? अरे हट जा, मैं तुझे मार नहीं रहा, चिट्ठियां सबकी गई तो किसी की चिट्ठी पे भी टाइम पे नहीं पहुंचनी। हट जा सारे सामने से, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है डोरेमोन के पास। ओए चक्कर आ गया मुझे गाड़ी चला के, ऐसे गाड़ी को आगे लग गई। हाँ कोई बात नहीं डोरेमोन, हम तुझे नई गाड़ी लेके दे देंगे। और अभी हम गाइस आपके सामने लेके आए हैं जंगली गाड़ी। ओए वो, अरे पैर तो घुमा ले अपने। ओ तेरी, ओए ये हिरनी कैसे जा रही है? ये हिरनी वाली गाड़ी में लेके आई हूँ गाइस आपके सामने, तो चलिए देखते हैं कि हिरनी वाली गाड़ी में कितनी जानवर है मेरे सामने। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग आ चुकी है। ठुक जाएगी। बच गया। बूस्ट दबा रहा हूँ यार मैं। अरे हिरनी वाली गाड़ी के ऊपर तो बूस्ट भी नहीं लगता, कसम से गाइस मैं बूस्ट दबा रहा हूँ और बूस्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा है मेरा। तो चलिए एक बार फिर से रैंप के ऊपर से हमारी हिरनी वैन वाली गाड़ी जा रही है। यस 360 हवा के अंदर एक और 360 और सीधा दीवार के अंदर सर बजा मेरा। कैसे हो? उतर जा। ओह माय गॉड, वैसे अच्छी गाड़ी है यार, अच्छी गाड़ी है, तो पहली दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर पेट्रोल। ओए हेलो ट्रेन, कैसी हो? तो दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी जिसके अंदर पेट्रोल नहीं डलता होगा, अच्छी गाड़ी है। तो चलिए गाइस एक बार फिर से रहम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारे पास कौन सी फनी गाड़ियां आती हैं। और गाइस अभी हम लेके आए हैं छोटी सी एक टॉय कार। एक बार फिर से इस गाड़ी के पहिए घूमते नहीं, और गाइस मैंने नोटिस किया कि जिस गाड़ी के पहिए नहीं घूमते ना वो गाड़ी बहुत तेज जाती है। तो एक बार फिर से हमने डोरेमोन के साथ ये गाड़ी को रैंप पे लगा दिया और गाड़ी के पहिए तो बिल्कुल घूम ही नहीं रहे। गाड़ी के अंदर पूरी 5 सीटें हैं, तो मुझे पता नहीं है कौन किस में दम है कि डोरेमोन के साथ इस गाड़ी के चलाए रैंप के ऊपर वो भी। और वो बिल्डिंग कहाँ पे की जो हाँ भैया हमारे सामने थी? कोई बात नहीं, बिल्डिंग एक को छोड़ते हैं और मारते हैं गोली और रैंप के ऊपर प्लीज। और ये गाड़ी का कंट्रोल कितना मस्त है यार। अभी बिल्डिंग के ऊपर प्लीज, बिल्डिंग के ऊपर पार्किंग, सीधी हो जा सीधी, पता नहीं सीधा पासा कौन सा, उल्टा पासा कौन सा, बिल्डिंग के ऊपर FIB की बिल्डिंग के ऊपर नाउ नाउ। ए यार एकदम प्लानिंग ही फेल कर दी इसने, मुझे लग रहा है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट व्हील चेयर ये होगी। तो चलिए गाइस डोरेमोन को गिराते हैं व्हील चेयर से और देखते हैं कि ये डोरेमोन कितनी फास्ट होगा। डोरेमोन चिंता मत करियो, इसके अंदर ब्रेकें नहीं है, तो कोई बात नहीं अपने मोटे सर से ये व्हील चेयर को रोक लियो। तो चलिए व्हील चेयर के साथ डोरेमोन जाएगा। डोरेमोन अगर तू व्हील चेयर से उतरा तो बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर, इस बार तुझे व्हील चेयर इस बार पक्का मिलेगी मिलेगी। या तो तुझे डॉक्टर व्हील चेयर देगा या तो तुझे हम व्हील चेयर देंगे। ओह माय गॉड ये व्हील चेयर कितनी फास्ट है। ऊपर ले ले भाई मेरे, ऊपर ले ले और बिल्डिंग के ऊपर लेके जाइए, बिल्डिंग के ऊपर। कम ऑन डोरेमोन यू कैन डू इट, डोरेमोन यू कैन डू इट, व्हील चेयर को बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना। बिल्डिंग कहां पे? अरे मिस हो जाएगी, नीचे ले ले मिस हो जाएगी, बिल्डिंग मिस हो जाएगी। ओए हम कर देंगे, वी कैन डू इट गाइस, वी कैन, ओह वी डिड इट। सीधा पखे के अंदर मुंह जाके मारा डोरेमोन ने पखे के अंदर। अरे बाप रे क्या मस्त है यार। तो सबसे बेस्ट है हमारी ये व्हील चेयर, तो फोड़ देते। ओए इतनी खतरनाक गाड़ी किसी और के हाथ में लग गई तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो यही समझदारी यही में है कि गाड़ी को यहीं पे फोड़ दो। अभी आती है हमारी 1996 में गैंगस्टर वाली गाड़ी। वो हो क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी है, एकदम मस्त। और गाड़ी के अंदर तो बहुत ही खतरनाक वाला इंजन भी लगा हुआ है, मुझे पता नहीं इंजन में कितनी पावर है। इतिहास में ये लिखा है कि ये इंजन आजकल के रॉकेट में लगाया जाता है, तो बहुत ही तेज गाड़ी है ये। अरे डोरेमोन सरेंडर कर ले। ओ तेरी, गाड़ी के ऊपर भी लाइटें लगी हैं और बहुत ही राइज गाइज वी आर गोइंग प्रीटी डैम फास्ट। मुझे लग रहा है कि पूरा मैप ही हम पार कर देंगे। और एक बार फिर से गाड़ी रैंप को छोड़ती हुई हवा से बातें कर रही है। मेज बैंक, कम ऑन डोरेमोन, मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर तो खड़ा करते अपने आप को। कम ऑन डोरेमोन, मेज बैंक प्लीज मेज बैंक बाय मिस। ओ नो, उस वाली बिल्डिंग, ओ कोई भी बिल्डिंग में खड़ी करते गाड़ी, कोई भी बिल्डिंग, ऐसी वैसी बात नहीं है। ओ
टूटी वाली बिल्डिंग पे खड़ी कर दे गाड़ी, टूटी वाली बिल्डिंग पे सीधा चिमनी के अंदर, और क्या लैंडिंग की है ये देखो, एकदम थग्स लाइक वाली पार्किंग कर दिया डोरेमोन ने, क्या बात है, नाइस वन। और इस बारी लेके आते हैं एक ब्रांड न्यू मॉन्स्टर ट्रक। अरे कैसा मॉन्स्टर ट्रक है यार। ओके डोरेमोन आराम से, डोरेमोन तू पीछे क्यों बैठा मामा जी, आगे बैठ। अरे ताऊ जी आगे बैठ, क्या कर रहा है ये डोरेमोन, अबे आगे बैठना था तुझे। ये पहला ऐसा बंदर है जो गाड़ी के अंदर बिना दरवाजा खोले हुए जाता है। अरे गाड़ी के अंदर बैठ, क्या बात है क्या बात है, दरवाजे की तो कोई अक्कल ही नहीं है, बिल्कुल फिजिक्स का कबाड़ा करके रखा हुआ है, गाड़ी के अंदर बिना दरवाजा खोल के बैठ रहा है ये। कम ऑन लेट्स डू इट डोरेमोन। ओए ओए विधि कर दी डोरेमोन ने, क्या बात है। और अभी हम करते हैं बूस्ट को एक्टिवेट, और हमारा मॉन्स्टर ट्रक बिल्कुल 500 मील प्रति घंटे I don't know, बहुत तेज जा रहा है हमारा मॉन्स्टर ट्रक। और ये प्लीज मिस बैंक की, ओए ओ रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुक। ओए मैं यहाँ पे कैसे आ गया? ओए तो गाइस बहुत इतना फास्ट ट्रक है कि मैं पूरी सिटी घूम के ऊपर आ गया, मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं ऊपर कैसे आ गया, ऐसा कौन सा बटन मैंने दबा दिया कि बिल्कुल मैं रैंप के ऊपर आ चुका एक बार फिर से। तो कोई बात नहीं, ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार मॉड मेन्यू को इस्तेमाल करके नीचे जाएंगे और रिवर्स में लेके जाते हैं, नहीं रिवर्स में लेके नहीं जाना, डोरेमोन सीधे लेके जाना ट्रक को। चलिए वो रैंप के ऊपर आ जाइए, नहीं नो रैंप के ऊपर, रैंप के ऊपर, रैंप के ऊपर, ओ अबे रैंप के ऊपर लेके जाना था इसको। ए अबे कहाँ पे लेके जा रहा है यार ये, अबे एयरपोर्ट की तरफ मत जा। अरे एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाना था मामा जी, सिटी की ओर जाना था यार, ये विस्पूची बीच की तरफ जा रहा है, अबे नीचे धरती के ऊपर कूद जा मामा। ओ तेरी, ओ वाव। और गाइस हमारी फाइनल बिल्डिंग है, आपको पता है कि इस मॉड मेन्यू के अंदर आप पूरी बिल्डिंग भी ड्राइव कर सकते हैं, या पूरी बिल्डिंग भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पूरी कहाँ पे गई, अभी मैंने नोटिस किया था कि मैंने पूरी बिल्डिंग में ड्राइव कर रहा हूँ, पूरी FIB की बिल्डिंग मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, पता नहीं ये रही FIB की। ओ हे हेलो, तो लीजिए गाइस मैं पूरी FIB की बिल्डिंग ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे रैंप के ऊपर, और मुझे पता नहीं कहाँ पे लेके जानी है FIB की बिल्डिंग। तो ये लीजिए गाइस, यो पूरी अबे उधर जाना है, उधर 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 उधर, ये मूर्ति ऐसी आई है। Oh my God! अरे बिल्डिंग को उधर लेके जाना है। तो लीजिए गाइज ये है हमारी FIB की बिल्डिंग जो फिलहाल अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस बिल्डिंग को। चलो अरे कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इतनी मोटी बिल्डिंग हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, गिर जाएगी मामा जी गिर जाएगी। तो गाइज ये वाला, अरे वो रही हमारी FIB की बिल्डिंग, ओ शिट अभी भी नीचे जा रही है। अबे कितनी ऊपर हम उस बिल्डिंग को लेके गए थे कि पूरे 4 दिन लग रहे हैं इस बिल्डिंग को नीचे आने में, पता नहीं कहाँ पे आके गिरेगी FIB की बिल्डिंग। तो चलिए ये हम अपना छोटा सा पिद्दी सा जेट लेके जा रहे हैं रैंप के ऊपर। तो चलिए भाई डोरेमोन आखिरी प्लेन को भी टेस्ट कीजिए और FIB की बिल्डिंग से बच के रहना। अरे वो नीचे नीचे उर्रा नीचे लेके जाना इसको, वो ए पूरा प्लेन ही गया यार, लेकिन अभी ओए। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, एकदम मस्त लग रहा है यार, अच्छी लग रही है मुझे ये प्लेन। तो गाइस एक काम करना, सबसे पहले रैम के ऊपर गाड़ियां फेंक देते हैं, रैंडम गाड़ियां रैम के ऊपर फेंक देते हैं और उसको एक ऑब्स्टिकल की तरह उसको यूज करते हैं। वो ए ये तो मेरी प्लानिंग ही नहीं थी, लेकिन चलो हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए ढेर सारे झाड़ फेंक देता हूँ यहाँ पे, अरे फटने नहीं है तुम दोनों को, गाइस तुम लोगों को फटना नहीं था यार, ये क्या हो रहा है यार, ये पूरा रैम मेरा फट जाएगा यार। नो वे डोरेमोन, अब तू कैसे जाएगा नीचे, मैं थोड़े से जहाज, अरे फटना नहीं होता तुम लोगों को, अजीब पागल जहाज है। तो गाइस एक काम करते हैं, लास्ट में मैं एक मोटर बाइक लेके जाता हूँ, अपनी प्यारी ड्रैग बाइक जो कि मुझे कभी भी निराश नहीं करती। ओए स्कूटर को लेके जाते हैं, ये सही है डोरेमोन स्कूटर लेके जाता। तो चलिए भाई हमारा डोरेमोन रेडी है, बिल्कुल पुराने जमाने का स्कूटर हमारा एकदम रेडी है। तो देख कोई कैसे पुराने जमाने की आवाज़ निकाला पटपट कहीं के। चलो भाई, ओए आग लग गई है पूरे रैम के ऊपर, हमने आग लगा के रख दी है। तो मुझे लग रहा है कि स्कूटर के अंदर पहुंच जाना है, मैं अभी बूस्ट दबा देता हूँ, हल्का हल्का बूस्ट देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आगे हमारे ऑब्स्टिकल्स होंगे और ये हमारा ऑब्स्टिकल्स जो है रास्ता रोक देंगे। पुलिस भी हमारे पीछे कर रही है, लेकिन पुलिस गुड लक, आप मोड यहाँ पे आ नहीं सकते, यहाँ पे आप आ नहीं सकते, बिल्कुल रैंप हमारा क्लियर है। अभी मैं फुल बूस्ट दबा देता हूँ, बिल्कुल 100% बूस्ट, वो हट जाओ सामने से। यार मुझे लगा था कि हमारा पूरा पुराना स्कूटर बिल्कुल स्पेसशिप की तरह
नदियां वगैरह सारे जीटीए पूरी वाइस सिटी वगैरह सब कुछ पार कर दे। ओए लगी, अच्छा वो खंबा अंदर नहीं घुसा तेरे पिंक वाले मुंह, ये शुक्र मना कि ये खंबा तेरे अंदर नहीं घुसा। तो गाइज ये रहा हमारा एक और रैम की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना काफी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। वो से यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।